किलोमीटर से वो पानी ढोकर लाती है। मैं मामा अगर उनका सच्चा भाई हूँ तो एक दिन मैं पानी ढोने से उनको रोक दूंगा, अगर मेरे घर में नल आता है तो मैं गांव में भी नल दूंगा। ये वादा है, ये वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने निभाया। आज हम 91 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम पर यहाँ काम कर रहे हैं। आज हम 40 करोड़ रुपए की सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं। भाई साहब, आप में बहुत गुणों के नकेलदार हैं। बताओ मामा से ज्यादा सीधा सज्जन आदमी है कोई? है ढंग से बताओ, है तो यहाँ करो, है कोई? लेकिन दुश्मनों को मामा से ज्यादा कठोर आदमी देखा है क्या? भाई साहब, ये वही जगह है जो दिग्विजय सिंह मेरे यहाँ रामधुन करने आ रहे थे। इसी जगह पर हमने दिग्विजय सिंह के गुंडे को चैलेंज करते हुए कहा था, जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, जमीन शिवराज की सरकार की है, गरीबों को अगर बांटेंगे तो शिवराज की बांटेंगे, हमने खाली करी। तो दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द हुआ, मैं रामधुन करूंगा। हमने कहा रामधुन करोगे तो चलेगा, वरना भूनोगी। रामधुन करोगे तो चलेगा, वरना मैंने हलवापुरी बनवाया ही नहीं, वो आए कि नहीं आए। पर आज मामा शिवराज भूमि पूजन करने आए हैं, जिसमें गरीबों के मकान बनेंगे, मध्यम वर्गियों के मकान बनेंगे, और उन मकानों में हमारा गरीब मजदूर, भोपाल में आश्रय लेने के लिए आने वाला बाहर का आदमी, जिसका भोपाल में जगह नहीं है, भोपाल में रहने का नहीं है, किराए में रहता है, उसे सस्ते सुंदर मकान बनाकर नगर निगम देगी। हमारा जिला प्रशासन मुस्तैद है, हमारे कलेक्टर सकल से जितने भोले देखते हैं, लेकिन जब कानून का इशारा हो जाता है तो उसका कठोर रूप भी धारण करके तो आपकी और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा नगर निगम प्रशासन पीडब्ल्यूडी को अभी हमने एक चैलेंज दिया कि हमें जुलाई तक एक रोड बनाना है, 6 लेन रोड जो कुलार का वो बन रहा है। दूसरा चैलेंज पीडब्ल्यूडी को फिर देंगे। ये रोड भी भाई साहब हम जून तक बनाकर तैयार कर देंगे। ढंग से तारी बजा को ऐसे जून में रोड बनते एकदम बन रहा है, और बन क्यों रहा है? बन रहा है तो हमारे मामा शिवराज सिंह के कारण तो बन रहा है, उनके सहायता के कारण। कभी तुमने देखे थे ऐसी लाइट चलती हुई? खम्भे देखो, मुझे मत देखो, ये खम्भे जिनपे लाइट लगी है, एक दिन वो भी आएगा। 2-5 साल रुक जाओ, मोदी जी को 24 में एक बार फिर दिल्ली भेज दो, मामा को 23 में फिर मध्य प्रदेश में ला दो। मेरा वादा है, जो सड़क तुम नीलगढ़ में देख रहे हो वो सड़क तुमड़ा में भी होगी, वो सड़क हर गांव में होगी, ऐसी लाइट चलेगी। यहाँ पर 50 से 60 कॉलोनी है भाई साहब, कई किसानों ने खेतों में छोटे छोटे प्लाट बांट दिए, 500-500 लोगों रुपए स्क्वायर फीट के प्लाट पर लोगों ने मकान बनाए। पीने का पानी नहीं है, सीवेज नहीं है। आपके आशीर्वाद से नगर निगम ने पिछले दौरान हमने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का पानी और सीवेज में काम किया। लेकिन 50 कॉलोनी में कुछ ऐसे बिजली के कनेक्शन हैं जो थोड़े महंगे भी हैं और अस्थाई भी हैं। ये कॉलोनी वाले चाहते हैं आपका आशीर्वाद मिल जाए और स्थायी बिजली कनेक्शन उनको भी मिल जाए। बताओ चाहते हो कि नहीं स्थायी बिजली कनेक्शन? बैठ के ही बोल दिया करो, खड़े होने की जरूरत क्या है? मामा तो आपके दर्द को समझते हैं, और अभी उन्होंने बोला भी है रतलाम में कि हम कॉलोनियों में और सरलीकरण करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इन खेतों में रहने वाले गरीब मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय परिवारों के बिजली का सरलीकरण करके उनको सस्ते दामों पर स्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपने हमें बहुत दिया, क्या क्या मांगे? अभी तो हमारे काम टेंडरों में, अब तो बिना मांगे ही हमारे पास इतना पैसा है कि अभी आपको और 400-500 करोड़ का भूमि पूजन और करना है। ताली बजा भैया। अभी तो हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां भी हमारी 57 करोड़ रुपए की पेयजल स्कीम है, सुखी सिमनिया में टेंडर हो चुके, स्वीकृत हो चुके, वहां भी आपको नरियल फोड़ना, वहां भी हमारी तैयारी है। कुछ दिन बाद संत हलेराम नगर बैरागढ़ में भी हम जो है
लिमिटेड कॉरिडोर बनाएंगे, डबल डेकर रोड बनाएंगे, वो भी 162 करोड़ रुपए का। वहां भी हमारी तैयारी है। हुजूर विकास में नंबर वन रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे लाडले नेता, हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और जो गरीबों के लिए पक्का मकान बनवाकर दे रहे हैं ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। बताओ मोदी जी अच्छे नेता हैं कि नहीं? है, तालियां बजाओ अपने मोदी जी है भैया। और मोदी जी गरीब का पक्का मकान भी बनवाते हैं तो हिंदू तुम्हारी शान शौकत रखने के लिए अवध में राम मंदिर भी बनवाते हैं, रामलला का मंदिर भी बनवाते हैं, राम मंदिर के बीच में। और विकास के हर आयाम को हम पूरा करेंगे, हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। भाई साहब हमारे पास 7 गांव हमारे भील गौड़ आदिवासियों के हैं जो इधर खड़े हैं। बड़ा ढोल भी लाए, आपको देखा नहीं हो, आपको आपका बड़ा इसमें है, बारेला भी है 3-4 आपके क्षेत्र में भी है। इनकी कोई मांग नहीं है, 1 करोड़ रुपए की छोटी सी मांग है। इनने 4 एकड़ जमीन रोकी है, उसे एक खेल मैदान भी बनाना चाहते हैं और उसमें मामा टाटा की प्रतिमा भी लगाना चाहते हैं। और वैसे तो आपने बहुत कुछ दिया है, अगर नरेंद्र मोदी जी को लाकर भगवान बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा के रूप में देश में पूजा अर्चना के लिए आपने तैयार किया है, उसमें मोदी जी और आपका योगदान है। आपने ये परंपरा को निभाया। किसानों को आपने 4,000 दिए, 6,000 मोदी जी ने दिए हैं, और हुजूर विधानसभा में लगभग हम 36,000 लोगों को आपके मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत लाभ दे रहे हैं। 36,000 लोगों को, कोई गरीब बचेगा नहीं। मित्रों मांगे क्या, जब बिना मांगे ही मिल रहा है, मांगना चाहिए कुछ? केवल एक छोटी सी मांग है, हमारे 3-4 हजार बच्चे सीएम हाउस आना चाहते हैं, और वो फंदा खजूरी और बैरागढ़ संत हृदयराम नगर रोड पर जो आपने मौखिक आदेश तो दिए हैं, एक कॉलेज की मांग करना चाहते हैं, पर वो यहां नहीं फ्री मिलकर करना चाहते हैं। और आप जब भी टाइम देंगे वो वहां मिलने आएंगे। मैं इस अवसर पर हमारी लाडली महापौर आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करता हूं, आपने ताली बजाकर उनका स्वागत अभिवादन करें। हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय राम कुमार गौरंग गुजर साहब भी हैं, पर भाभी उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। किशन सूर्यवंशी जी हैं, पूरे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जिला अध्यक्ष हैं, सबके लिए आप ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्वागत तो आप अपने लाडले नेता का करिए, आप अपने मामा और भैया का करिए, किसान और मजदूरों के मसीहा का करिए, और गरीबों के लिए जो जीता है और गरीबों के लिए जो लड़ता है ऐसे मामा शिवराज सिंह चौहान का करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। अरे मैंने नहीं आ रहा पीछे छत वालों, तुम भी हाथ उठाओ, छत पे बैठ गए तो क्या हुआ? बोले भारत माता की जय श्री राम। हाँ, 45 करोड़ रुपए का सीएम सनराइज स्कूल भी मिला हमको, ताली बजाओ वो भी, उसके भी टेंडर लग रहे, वो भी बनाएंगे हम भर्राई में, उसकी भी जमीन हमारी आरक्षित हो गई। बहुत काम है, काम गिनो, हर गली मोहल्ले में काम है। आने वाले 5 साल में हुजूर का कोई भी गांव 2 लेन बिना नहीं रहेगा, हर गांव में 2 लेन सड़क होगी, हर गांव में स्ट्रीट लाइट के प्रबंध किए जाएंगे। ये आने वाला शहर है। हम नगर निगम कमिश्नर साहब से आग्रह करना चाहते हैं, अभी ये आपको 4 लाइन दिख रहा है, लेकिन हमारी देवकुटन तक ये सड़क जाएगी। आप ये मानकर चलना कि इससे 13 किलोमीटर सीओर बचता है। यही सड़क आने वाले दिनों में 6 लेन बनेगी, और यही 6 लेन बनते हुए धामीराबाद को चीरते हुए पुराने भोपाल में से निकलते हुए सूखी सिमनिया से जाते हुए, और जब साथी और सलामत तौर से विदिशा पहुंचेगी तो ये शहर की दूरियां लगभग 33 किलोमीटर कम करेगी, एक नई सड़क बनेगी। आने वाले दिनों में हम इसका प्रपोजल बनवाएंगे और फिर मामा जी के द्वार जाएंगे। हमें भरोसा है मामा जी इसकी स्वीकृति जरूर देंगे।
देखो भदभदा से यहाँ तक बताओ तो मैं भूमि कम हुई कि नहीं? अरे अच्छा लग रहा है कि नहीं भदभदा से यहाँ तक? ऐसी सड़क आगे चाहते हो कि नहीं? और भाई साहब आपने लाल बसें की, ताली बजाओ लाल बसों के लिए। गांव गांव जाने लगी सरकार को कुछ नहीं होगा तो 50 से 55 करोड़ रुपए का घाटा है। लेकिन मामा शिवराज जी ने कहा कि मजदूर के बेटे किसान की बेटी अनपढ़ नहीं रहेगी, मामा घाटा बर्दाश्त कर लेगा पर बस तो बेटी के द्वार जाएगी। ये व्यवस्था मामा जी ने कहा वो वहां तक पहुंची है और इसे आगे वाले दिनों में और आगे बढ़ाएंगे। आपका स्टेट कहिए, आपका आशीर्वाद कहिए, ये गरीब, ये मध्यम वर्गीय लोग, ये हिंदुस्तान की आवाज, ये भारत माता के लाडले सपूत आपके विकास में आपके साथ है, आपके गरीब उत्थान के कार्यक्रम में आपके साथ है, राष्ट्रभक्ति में आपके और मोदी जी के साथ है। और जो बेटियों के साथ छेड़ाखानी करता है उसके जब आप हाथ पैर तोड़ते हैं तब तो ये दोनों आसमान से आपके साथ हो जाते हैं, डबल उत्साह से आपके साथ हो जाते हैं। और इसलिए मजदूर किसानों की भलाई के लिए जो आपने काम किए हैं वो अनुकरणीय है, हम उनका बारंबार आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एक बार हुजूर के लोगों दोनों हाथ उठाकर अपने मामा का फिर स्वागत कर दो, फिर अभिवादन कर दो, फिर अभिवादन, दोनों हाथ जोरदार ताली बजाइए, जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद।